वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ और आज हम यूनिट वन का लास्ट चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस काफ़ी आसान चैप्टर है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि एग्जाम्पल्स हो गए, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेंगी। बाकी चैप्टर बहुत आसान है, हम मिलके ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। तो बेसिकली एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखते हो। जैसे हमने प्लांट को क्लासिफाई किया था उसी तरीके से एनिमल्स को भी हम क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री कि वो सिमेट्रिकल हैं एसिमेट्रिकल हैं, नेचर ऑफ सीलोम उनके अंदर बॉडी कैविटी कैसी प्रेजेंट है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है या नहीं है, अगर है तो ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ मेन क्राइटेरिया रहेंगे जिनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे एनिमल्स को, ओके। तो सबसे पहले अगर हम नंबर वन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं तो वी हैव द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? तो देखो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली हम सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एनिमल्स जो होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर। All members of animalia are multicellular. Multicellular का मतलब क्या हुआ कि वो उनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी हुई है, जबकि जो उनका पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स का जो ऑर्गेनाइज होने का पैटर्न है वो डिफरेंट तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो तीन तरीके का आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर वन सेल्यूलर लेवल, देन आपके पास आता है टिश्यू लेवल, देन आपके पास आता है ऑर्गन लेवल, ठीक है। ऑर्गन लेवल के बाद फर्दर आपके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आ जाता है। तो सेल्यूलर लेवल की अगर हम बात करें तो सेल्यूलर लेवल के अंदर आपकी जो सेल्स हैं वो लूजली एग्रीगेट्स, सेल एग्रीगेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। कैसे प्रेजेंट हैं? द सेल्स आर अरेंज्ड एज द लूज सेल्स एग्रीगेट्स, ठीक है। और ये सेल्यूलर लेवल कहाँ देखने को मिलता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्जेस के केस के अंदर देखने को मिलता है। स्पॉन्जेस के बारे में हम डिटेल मैनर में स्टडी करेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस में मिलता है। फिर आपके पास आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के अंदर क्या होगा? टिश्यू लेवल के अंदर जो सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें आप टिश्यू बोल देते हो। बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलके एक जैसा सेम फंक्शन करेंगे तो आप उसे टिश्यू लेवल कह दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल के अंदर क्या होगा? बहुत सारे जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे एंड ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यू मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन करने वाले हैं, ऐसे लेवल को आप बोलोगे ऑर्गन लेवल। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, अकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया अगर हम लेते हैं तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी आपके पास दो तरीके से एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां अगर हम लिखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स में दो तरीके का हो सकता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आपके पास दो ओपनिंग होंगी, ठीक है।
दो ओपनिंग क्या होंगी वो, एक माउथ और एक एनस, ठीक है। जबकि इनकम्प्लीट के अंदर क्या होगा, आपके पास एक सिंगल ओपनिंग होगी दैट विल सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो आप क्या याद कर सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होंगी एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ओपनिंग होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपके पास दो तरीके का होगा, नंबर वन ओपन एंड नंबर टू क्लोज। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट इन द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। जो आपके टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बाथ कर रहे होंगे। क्लोज टाइप के अंदर क्या होगा, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज। तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा कि छोटी छोटी वेन्स जो आपको दिखती हैं आपकी स्किन पे, वो होंगी, आर्टरीज होंगी, कैपिलरीज होंगी, ये सारी चीज़ें आपको क्लोज सिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगी। मतलब ब्लड जो होगा एक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्राइटेरिया लेते हैं तो दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो जो ये जो है आपके, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री के बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस आपके एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, रेडियल सिमेट्री भी शो कर सकते हैं, एज वेल एज बायलेटरल सिमेट्री शो कर सकते हैं। स्पॉन्जेस की अगर हम बात करते हैं तो दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, और सिमेट्री जो होती है वो आपकी तीन टाइप की दे रखी है, एसिमेट्री, रेडियल और बायलेटरल, ठीक है। अब एसिमेट्री का मतलब क्या है, जिस चीज को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज योर एसिमेट्री, ठीक है। नाउ एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स, डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। When any plane passing through the central axis of body divides the organism into two identical half, अगर आपने एक प्लेन के थ्रू एक्सिस पास करी, सेंट्रल एक्सिस पास करी, और बॉडी आपकी दो आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड हो गई, then it is known as radial symmetry. ठीक है, फिर आपके पास बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है, व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ। बायलेटरल के अंदर क्या होगा, आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, बायलेटरल सिमेट्री के अंदर आपने आइडेंटिकल, यहां से आपने कट लिया तो यहां पे आपको लेफ्ट और राइट पार्ट आइडेंटिकल मिला। रेडियल के अंदर क्या हुआ, रेडियल के अंदर आप कहीं से भी काट दोगे, जैसे कि ये देखो, व्हेन द एनी प्लेन, कहीं से भी, किसी भी प्लेन में से, थ्रू दी सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से आप कोई भी कट लोगे एंड वहां पे इक्वली आपके पास डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज रेडियल सिमेट्री, ओके। नाउ मूविंग फर्दर टू डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एनिमल्स जिनके अंदर दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, उन्हें आप डिप्लोब्लास्टिक बोलते हो। डिप्लो का मतलब टू, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर दो लेयर्स हैं, और वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर, एक्सटर्नल लेयर, एंडोडर्म इंटरनल लेयर, ठीक है। और काफ़ी बार क्या होता है कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, जिसे आप बोलते हो मीजोग्लियल लेयर या फिर मीजोग्लिया। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर। और अगर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स आ जाते हैं आपकी मेसोग्लियल लेयर के अंदर, तो आप उसे बोलते हो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। या फिर आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि डिप्लोब्लास्टिक के अंदर यहाँ पे दो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और एक मीजोग्लियर नाम की लेयर होती है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो मीजोडर्म लेयर होती है दैट इज प्रेजेंट, एंड दिस इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ओके। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर। एक तीसरी लेयर आ जाएगी जिसे आप मीजोडर्म बोलते हो, तो वो आपकी
डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल देखो, प्लैटीहेलमिन्थीस टू कॉर्डेट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया आपके पास आ जाता है सीलोम का. नाउ सीलोम क्या होता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है, कोई खाली स्पेस प्रेजेंट है या नहीं है, उसे आप बोलते हो सीलोम. द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म. और ऐसी बॉडी कैविटी जिसके अंदर आपकी मीजोडर्म लाइन कर रही है, उसे आप बोलते हो सीलोम. एनिमल पजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स. जहाँ पे एनिमल्स के पास सीलोम होगी, उसे आप बोलते हो बॉडी कैविटी होगी, उन्हें आप बोलते हो सीलोमेट्स. ठीक है, जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे आप बोलोगे ए सीलोमेट्स. ठीक है, सबसे पहले सीलोमेट्स का एग्जाम्पल देखो, एनलीडा, मलस्का, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा, हैमिंग कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ठीक है, फिर जहाँ पे नहीं होगी वो होंगे आपके ए सीलोमेट्स. एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थीस. अब सीलोमेट्स और ए सीलोमेट्स के बीच में एक चीज और आती है, सूडो सीलोमेट्स. सूडो सीलोमेट्स क्या होते हैं? इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी को मेसोडर्म लाइन नहीं करता. इंस्टीड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट द स्कैटर्ड पाउचेस. मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट होती है? स्कैटर्ड पाउचेस के अंदर. ऐसी लेयर को आप बोलते हो सूडो सीलोमेट्स. ऐसे एनिमल्स को आप बोलते हो सूडो सीलोमेट्स. ठीक है, और लेयर को बोलते हो सूडो सीलोम. ये देखो डायग्राम के अंदर सीलोम प्रेजेंट है तो सीलोमेट्स बोल दिया. यहाँ पे स्कैटर्ड पाउचेस हैं. कैसे हैं? स्कैटर्ड पाउचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए ये जो सेकंड वाला आपका डायग्राम है इसे आप बोल रहे हो सूडो सीलोमेट्स. देन यहाँ पे कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है तो आप इसे बोल रहे हो ए सीलोमेट्स. द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड ए सीलोमेट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया वी हैव सेगमेंटेशन. अब सेगमेंटेशन क्या होता है? कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी जो होती है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स के अंदर. ठीक है, विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. क्या याद रखना है सेगमेंटेशन कहाँ एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में? अर्थवर्म के अंदर. आपने देखा होगा अर्थवर्म की बॉडी के अंदर कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से लाइंस देखने को मिलती हैं. तो वही जो लाइंस हैं उन्हें आप सेगमेंट्स बोल रहे हो, एंड जो ये स्पेशल पैटर्न होता है इसे आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह रहे हो, और जो ये फिनोमिनन होता है इसे आप मेटामेरिज्म बोलते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया वी हैव नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड के ऊपर हमने बेसिकली एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, नॉन कॉर्डेट्स एज वेल एज कॉर्डेट्स. तो नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यही है. आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नोटोकॉर्ड कैसे डिराइव होता है, मेसोडर्मली होता है, एक्टोडर्मली होता है, एंडोडर्मली होता है. ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स. एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स. जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी उन्हें आप कॉर्डेट्स बोलोगे, जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी उन्हें आप नॉन कॉर्डेट्स बोलोगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को ब्रॉड तरीके से स्टडी करने वाले हैं. आज का लेक्चर में अभी हम एक बारी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की टेबल देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर. सारी चीज़ों को कंपाइल करके बहुत अच्छे से इस टेबल के अंदर समझाया गया है. ठीक है, तो एक बारी स्टडी कर लेते हैं. देखो किंगडम क्या है? किंगडम आपको गिवन है एनिमेलिया. और हमने पढ़ा था एनिमेलिया जो होते हैं जितने भी एनिमल्स हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं. ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो आपके पास दो तरीके के हैं, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक है, फिर सिमेट्री की बात करते हो आप, सिमेट्री की बात करते हो तो एसिमेट्रिकल हो सकता है एनिमल, रेडियल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है. एसिमेट्री में आपने देखा कि सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी.
ठीक है। फिर रेडियल आपने देखा कि किसी भी प्लेन से अगर आप कट करोगे तो टू इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे आपको, एंड बायलेटरल के अंदर लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में एनिमल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने बॉडी कैविटी और सीलोम की बात करी। फिर आपके पास तीन तरीके से बॉडी कैविटी के बारे में डिस्कशन किया, एसीलोमेट्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, ठीक है, विदाउट बॉडी कैविटी। फिर आपने देखा फॉल्स सीलोम जिसके अंदर आपके पास स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होंगे, ऐसी कैविटी को आप सूडो सीलोमेट्स बोलोगे। फिर जब आपके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी तो आप बोलोगे सीलोमेट्स, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, चीज़ें कंपाइल करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप जब नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ोगे, नॉन कॉर्डेटा की स्टडी करोगे, तो आप ये देखोगे कि आप ये सारे फाइलम्स को डिटेल मैनर के अंदर स्टडी करने वाले हो। ये क्या है? नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर सबसे पहले आप फाइलम पॉरीफेरा की स्टडी करोगे जिसके अंदर स्पॉन्जेस की बात की जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? स्पॉन्जेस। आपने देखा था अभी कि स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं, तो पॉरीफेरा में एसीलोमेट होते हैं, बॉडी कैविटी एब्सेंट है, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, एंड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट फाइलम आपके पास आता है टीनोफोरा, ये भी एसीलोमेट है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर प्लाटीहेलमिन्थीज आ जाता है, प्लाटीहेलमिन्थीज आपके एसीलोमेट्स होते हैं, ओके। और सिमेट्री कैसी प्रेजेंट है? बायलेटरल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास निडेरिया भी था एसीलोमेट्स में, एंड रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट थी। फिर आपने देखा सूडो सीलोमेट्स, बायलेटरल सिमेट्री, एसके हेलमेंथीस, सीलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, और क्यूकॉर्डेटा। कॉर्डेटा के पास भी सीलोम प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपके यहाँ पे इस जगह एक स्टार मार्क है एकाइनोडर्मेटा के ऊपर, ये एकाइनोडर्मेटा के ऊपर स्टार मार्क क्यों है? एकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। एकाइनोडर्मेटा जो होता है वो आपका दोनों ही तरीके की सिमेट्री शो करता है, रेडियल एज वेल एज बायलेटरल सिमेट्री, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेजेस, ठीक है, कि लावल स्टेज में कौन सी सिमेट्री होगी एंड एडल्ट स्टेज में कौन सी सिमेट्री होगी। इसी वजह से यहाँ पे स्टार मार्क है जिसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई एनिमल किंगडम की कि किस बेसिस पे आप क्लासिफाई करने वाले हो एनिमल्स को। अभी अगर आपको एग्जांपल्स लर्न नहीं हुए तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप आगे डिटेल मैनर में सभी फाइलम्स को स्टडी करोगे तो आपको चीज़ें नेचुरली लर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।